और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, और ऊपर से हम लोगों का जो बोरिंग है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और लाइट भी इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना कि क्या बताऊँ। हमारे घर का जो बोर है ना वो ख़राब हो गया है, उसका जो मशीन है उसे निकालना पड़ेगा। बट इतनी ज़्यादा पानी गिर रही है ना कि जब तक बारिश रुकेगा नहीं कि हम लोग उसको चेंज भी नहीं करा सकते। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, एकदम मतलब क्या बोलूँ, मूड ख़राब है। मैं सोची थी आप लोगों के साथ फुटू की रेसिपी शेयर करूँगी, बट अभी लाइट गोल है। मैं हल्का सा आप लोगों को एक क्लिप भर दिखाई हूँ, बट इतना बारिश हो रहा है ना कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पूरा घर में अंधेरा है, बस यहाँ पर थोड़ा हॉल रूम है करके थोड़ा सा ठीक है, इधर खुला टाइप का है करके। यो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जैसे तैसे हम लोग काम चला रहे हैं। देखिए रूम आते ही सब गायब हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह तो हो गया, और अभी देखिए मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। घर में पानी ख़त्म है, बाहर से लाए हैं तो कितना पानी और खींच के ले जाएंगे, तो यही बाहर बैठ करके धो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स आज सबका यही हाल है। देखिए यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी भी बर्तन धो रही हैं। देखिए क्या बारिश हुआ, और एकदम पेड़ पौधे ना एकदम खिल गए हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। ये जो पानी है ना हम लोग अपने पड़ोसी के घर से लेकर आए हैं, उनके घर का बोरिंग ठीक है। बीच में ना सुबह थोड़ा सा टाइम के लिए लाइट आया था, तब हम लोग ना पीने का पानी और अपने ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत पानी लेकर के आ गए थे। अभी मैं बर्तन वगैरह को वॉश कर लूँगी। और फ्रेंड्स अभी भी लाइट नहीं आई, और ना वहाँ रूम में रह रहे के मुझे एकदम ऐसा लग रहा है अंधेरा टाइप से ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए अभी मैं अपना लंच निकाल चुकी हूँ। तो ये देखिए हमारा यम्मी यम्मी सा लंच। यहाँ पर है मशरूम की सब्जी, और इसे हम लोग बोलते हैं चुटचुटिया, यानी कि गंवार फली की सब्जी। ये किसी किसी को पसंद होती है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो मुझे पसंद है। और साथ में है अचार। तो मैं लंच कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। आज का मौसम घूमने फिरने के लिए अच्छा है, बट लाइट बोल है, पानी नहीं है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो आज इतनी ज़्यादा बारिश है कि हम लोग अभी पंकू को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं ना पंकू। देखिए क्या बारिश हो रही है, इस साल का ना सबसे ज़्यादा बारिश ना आज हुआ है। देखिए पूरा रास्ता पूरा पानी से भर गया है। फ्रेंड्स तो आज इतनी ज़्यादा बारिश है ना कि मतलब ट्यूशन में भी छुट्टी दे दिया गया है। देखिए बच्चों को जस्ट होमवर्क दिया गया, वो देखिए उसका भैया भी सामने है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ मैं बेटू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, और हम लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। और आज ना फ्रेंड्स लाइट आएगा कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है, तो हम लोग अभी पंखू को ना उसका होमवर्क कराने के लिए बिठा दिए हैं। वो पहले नहीं करना चाह रही थी, पर बोले कि बेटा रात को लाइट आएगा कि नहीं कोई पता नहीं है। और हस्बैंड जी भी अभी उनको पढ़ा रहे हैं बेटू को, बेटू को उसके पापा पढ़ा रहे हैं, और मैं इसलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ। मैं चाय पी रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और अभी देखिए 7 बज रहे हैं, जस्ट अभी ही लाइट आया है। तो अभी बारिश का मौसम है ना, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि खिचड़ी बनाएंगे, तो उसकी मैं तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 कप चना दाल लिया है, जिसे मैं भिगो के रखी थी। अब मैं इसमें 2 सीटी लगा लूँगी। बारिश का मौसम और ऐसा कुछ चटपटा होना तो मज़ा ही कुछ आ जाता है। देखिए हस्बैंड जी गए थे मार्केट, और वो लेकर के आए हैं टेस्टी सा आलू गुंडा, और साथ में ये छोले की सब्जी है। तो ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी, बट बेटू को पसंद आया था, तो मैं तो केचप के साथ खा रही हूँ। और मंगू मिर्ची नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी नारियल लेकर के आए थे, क्योंकि हम लोग खिचड़ी में नारियल डालने वाले हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये नारियल ना सड़ा हुआ निकला। तो फ्रेंड्स सारे दिन के बाद लाइट आई है। आप लोग ये जो शहर वाले हैं ना, हमारी ये जो खुशी है ना आप नहीं कभी नहीं समझ सकते हैं। अभी मैं लिटरली मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कोई मेरे को मैंने कोई ओलंपिक जीत लिया हो। तो चलिए अभी मैं देखिए नारियल तो ख़राब हो गया है, और मैंने जो चना दाल रखा था वो भी अभी गल चुका है, सीटी लग चुका है।
यहाँ पर देखिए मैंने कुमड़ा और आलू को काट लिया है और मूंग दाल ख़त्म हो गई थी तो हस्बैंड जी मूंग दाल लेकर के आए हैं, तो मैं यहाँ पर ना लगभग 1.5 कप मूंग दाल लूँगी और उसे ना रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप चावल, तो चावल और दाल का रेशियो ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर है 1.5 कप चने की दाल जो कि सॉफ्ट हो चुका है और 1.5 कप मूंग की दाल और उसमें हम डाल रहे हैं 1.5 कप चावल। तो अभी बनने जा रही है खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी ना कुकर में बनाऊंगी, बहुत ही कम टाइम लगता है। और अब जो ये मूंग दाल फ्राई किया है ना वो भी मैं इसी में डाल दूंगी और सिर्फ एक ही सीटी लगाऊंगी और उसके बाद मैं तड़का लगा करके इसे पकाऊंगी। तो अगर आप ऐसे कुकर में बनाएंगे ना तो खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अब ये मैंने डाला पानी और इसमें जो कटे हुए सब्जी थे ना इसे भी डाल दूंगी और मैं सिर्फ एक सीटी का वेट करूंगी। एक सीटी में ना ये खिचड़ी प्रॉपर बन जाती है। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं जब छौंक लगा रही थी उस समय अगेन लाइट गोल हो गया था तो मैं उसका वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाई। बस इसमें मैंने 5 फ़ोरन डाला है और छौंका लगाया है, तो अब मैं अपने लिए ये खिचड़ी सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप सब भी हमारे साथ डिनर करने के लिए, देखिए हमारा यम्मी यम्मी सा खिचड़ी बन करके रेडी है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड। आप आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।